नमस्कार, मैं खुशी व्यास एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शिवधाम कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधा को लेकर हो रहे परेशान। वर्षों बीत जाने के बावजूद कॉलोनाइजर ने नहीं बनवाया सीवेज टैंक। सही लेवल नहीं होने से सीवेज लाइन हो जाती है चौक। वर्षों बीत जाने के बावजूद कॉलोनाइजर ने नहीं बनवाया सीवेज टैंक। उड़ाई जा रही है स्वच्छता अभियान की धज्जियां। खुले कुएं व घाटिया प्लास्टिक की लाइनों में सप्लाई किया जा रहा है घरों में पानी। हम ले चलते हैं ऐसी कॉलोनी में जिसमें कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी रहवासियों की सीवेज लाइन की गंदगी के लिए सीवेज टैंक नहीं बनाया गया है। विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में स्वच्छता के सख्त नियम तथा मूलभूत सुविधाओं की अनिवार्यता के बावजूद रहवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम तो यहाँ है कि नरसिंहगढ़ के समीप स्थित शिवधाम कॉलोनी में ना तो सीवेज लाइन है ना ही सही लेवल है और सीवेज टैंक तो है ही नहीं, जबकि कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉट बेचे हुए कई वर्ष हो चुके हैं। बिजली के खंभे तो है लेकिन कई खंभों पर स्ट्रीट लाइट के लैंप तक नहीं लगे हुए हैं। कॉलोनाइजर द्वारा घरों के नलों में पानी सप्लाई के लिए प्लास्टिक के लो क्वालिटी के पाइप डाल दिए गए हैं, जिससे आए दिन पानी सप्लाई की लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिस कुएं से कॉलोनी का पानी पाइपलाइन में पानी सप्लाई किया जा रहा है वह खुला हुआ है। कॉलोनी में निवास करने वालों ने आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर ने उनके साथ धोखा किया है। जिन सुविधाओं की बात की थी वे पूरी तरह नहीं की गई है। अतः प्रशासन को कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर रहवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दिलवानी चाहिए। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। सीवेज की क्या व्यवस्था है यहां पर? चौक है, सीवेज लाइन जो है वो हर जगह से चौक है और सही से बनी हुई नहीं है, ताकि सही से वापस निर्माण कराया जाए। और पानी की जो लाइन है वो हर जगह से ब्रेक होती रहती है, कभी भी फूट जाती है, वो भी बिल्कुल हल्की क्वालिटी की यूज करी गई है। तो यहाँ पर सीवेज के लिए क्या व्यवस्था, टैंक वगैरह है कि नहीं? सीवेज का टैंक अभी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे सुनने में आ रहा है 10 साल हो गए इस कॉलोनी शायद डेवलप हुए, तो 10 साल में क्या सीवेज टैंक अभी तक बनाया नहीं है क्या? नहीं, अभी सीवेज टैंक बनाया नहीं है। गार्डन की सुविधा कैसी यहाँ पे हो? गार्डन में कोई सुविधा नहीं है, गार्डन ही नहीं है, केवल घास उगी हुई है, उनमें जीव जंतु हो रहा है। गाजर घास उग जाती है तो उसमें भी हम अपने पैसों से दवा छिड़का रहे हैं। खेल मैदान तो है ही नहीं। तो आप लोग कॉलोनाइजर से मांग नहीं करते हैं कि भाई जो सुविधा है कॉलोनी में होनी चाहिए? कह चुके हैं लेकिन वो हर बार आश्वासन देते हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। बात कॉलोनी के अंदर अगर आते हैं, रात का समय है तो यहाँ खंभे जितने भी हैं उनमें ज्यादा कदा 2-4 लैंप लगे हुए हैं पूरे खंभों के ऊपर, और किसी प्रकार की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। तीसरी पूरे जिस कुएं के आसपास आम के पेड़ है और उस कुएं में आम के पत्ते और गंदगी पड़ी रहती है, वो पानी पीने को मजबूर है। 2 ट्यूबवेल नहीं लग पाई, ट्यूबवेल 2 साल से कह रहा कि लगवा दूँगा, मुझे 3 साल होने वाले कॉलोनी में। मतलब जो कुआ खुला में है, कुआ खुले में है, कुएं में आप चल के देख लो, वो पास में कुआ है, उसके चारों तरफ पेड़ है आम के, उसमें पूरे पत्ते उसमें गिरते हैं, इस कारण बारिश में पानी सड़ जाता है, वो सड़िया पानी पीने के लिए मजबूर है। तो कॉलोनाइजर द्वारा कुएं से पानी सप्लाई किया जाता है? कुएं से पानी सप्लाई किया जा रहा है, ट्यूबवेल है, वो यूँ कह रहा है कि 2 ट्यूबवेल लगवाऊंगा, लेकिन अभी तक 2 ट्यूबवेल नहीं लगवाई। 2.5 साल से मैं मांग कर रहा हूँ और 2.5 साल से हम सड़ा पानी पीने के लिए मजबूर है। खेल मैदान, गार्डन, सीवेज लाइन? मैदान तो है ही नहीं, गार्डन भी नहीं है। गार्डन में भी ये टंकी बनी हुई है और बाकी ना खेल मैदान है ना गार्डन है, ना रोड की ढंग से जो नियमानुसार चौड़ाई की जाती है वो है, और पूरी सीवेज लाइन बंद पड़ी है। पूरी सीवेज लाइन डबल से नहीं डले तब तक हम लोगों को लेटरिंग की जो समस्या है, मलमूत्र की, इनकी वो हल नहीं होगी। 10 साल में आज तक इनने सीवेज टैंक नहीं बनवाया? कुछ भी नहीं बनाया। उस सेठ जी से फोन करते हैं तो वो चमचों को फोन दे देता है और वो चमचे अनसंड बोलते रहते हैं।